जय हिंद फ्रेंड्स। गत किछि दिनरु लेजर अस्त्र को नै डिफेंस मार्केट भारी हिट रहिछि। रिसेंटली इजराइल एवं हमास युद्ध रे मध्य इजराइल द्वारा आयरन बीम रो व्यवहार करा जायथिला। स्पेशियली ईरान द्वारा जेतेबेले इजराइल उपरे डायरेक्ट अटैक करा जायथिला, सेही समय रे इजराइल निजर आयरन बीम एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करथिला। एही आयरन बीम रो सबुठारु खास तथ्य हला एहा क्विक रेस्पोंस करिथाय एवं सटीकतार सहित अटैक करिथाय। एहा छडा आउ एक सबुठारु खास तथ्य हला आयरन बीम को व्यवहार करबा द्वारा कम से कम खर्च होइथाय, अर्थात 3 रु 4 डॉलर पाखा पाखी गोटे टार्गेट को न्यूट्रलाइज करिबारे खर्च करबाकू पड़िथाय। ए समस्त सुविधा जोगु सारा दुनिया रे लेजर अस्त्र रो क्रेज बढ़िछि। रिसेंटली यूके द्वारा मध्य एक लेजर अस्त्र को विकसित करा जायछि। एहाकू निजर समस्त वारशिप रे मध्य मुतयन करा जाउछि। लेजर अस्त्र को नै आम भारत द्वारा एक नुआ खबर सामना को आसीछि। डीआरडीओ द्वारा एहाकू नै ऑफिशियली घोषणा करा जायछि। वर्तमान आम भारत लेजर अस्त्र मामला रे इजराइल बराबर होइ पारिछि। डीआरडीओ द्वारा कहा जायछि 30 किलो वाट रो लेजर वेपन परीक्षण एवं प्रोडक्शन पई संपूर्ण रूपे प्रस्तुत होइ सारिछि। एहा परे लेजर अस्त्र को मुतयन करा जाई पारे। अल्टीमेटली इजराइल वर्तमान जेउ पोजीशन रे रहिछि सेही पोजीशन रे आम भारत पहुंचि जाइछि। डीआरडीओ रो लेजर वेपन विषय रे जदि कुहा जिवो तेबे एहा को भारी प्रभावशाली माना जाउछि, कारण एहा 5 किलोमीटर रेंज प्रोवाइड करिथाय। वर्तमान एही रेंज आपण मानकु कम लागि पारे, किंतु कम हेबो नाही, कारण इजराइल द्वारा निर्माण करा जाइथिबा आयरन बीम रो रेंज मध्य 7 किलोमीटर अटे, ऑलमोस्ट पाखा पाखी कहिले चले। एही 5 किलोमीटर रेंज रे मध्य शत्रु देश रो ड्रोन एवं हेलीकॉप्टर विरुद्ध रे प्रभावशाली ढंग रे काम करि पारिबो। एहा छडा रॉकेट अटैक, टेक्टिकल बालिस्टिक मिसाइल एवं क्रूज मिसाइल को धराशायी करिबारे समर्थ हेबो। प्रारंभ रे डीआरडीओ द्वारा ग्राउंड बेस लेजर वेपन तयारी करा जाइथिला। कुहा जाउछि एहारो को टेक्नोलॉजी को आधार करी शिप बर्न लेजर अस्त्र तयारी करा जाइछि। कुहा जाउछि एहारो ओजन 8 टन रु कम हेबो। एहा को जे कोनोसी वारशिप रे इंटीग्रेट करा जाई पारे। एहा छडा स्थल सेना एवं वायु सेना रो कथा जदि कुहा जिवो तेबे एही लेजर अस्त्र रो ओजन कम हेबा जोगु एहा विशेष उपयोगी सब्यस्त हेबो, जहा कि जे कोनोसी छोटो एवं मीडियम साइज रो ट्रक रे एहा को माउंट करा जाई पारे। एही लेजर अस्त्र 360 डिग्री कवरेज प्रोवाइड करिवो, जहा कि जे कोनोसी एंगल रु होस्टाइल को अति सहज रे न्यूट्रलाइज करि पारे, कारण 360 डिग्री कवरेज पई एहा भितरे सेंसर सूट, यूजर आइडेंटिफाई डिटेक्शन, रिकॉग्निशंस एवं टीआरजे आदि अत्याधुनिक फीचर रहिछि, जहा कि जे कोनोसी टार्गेट एहा नजर रु बंची पारिबो नाही। एहा छडा डीआरडीओ रो एही लेजर वेपन शत्रु देश रो ड्रोन रो कम्युनिकेशन सिस्टम एवं कंट्रोल सिग्नल सिस्टम को जैम करि पारे। वर्तमान डीआरडीओ 30 किलो वाट रो लेजर वेपन डेवलप करि नै छि। आगामी दिन रे 300 किलो वाट पर्यंत पहुंचि जिवार संभावना रहिछि, फलरे बड़ बड़ टार्गेट को न्यूट्रलाइज करिबारे समर्थ हेबो। जेमिति कि बड़ साइज रो बालिस्टिक मिसाइल, हाई स्पीड क्रूज मिसाइल, टैंकर एयरक्राफ्ट, एवाक विमान एवं लड़े विमान को मारि पारिबो, कारण 300 किलो वाट रो एनर्जी 40 रु 50 किलोमीटर पर्यंत पहुंचि पारे, जहा कि पर्याप्त हेबो। डीआरडीओ रो एही सफलता पई कमेंट बॉक्स रे एक जय हिंद लेखिबाकु भूलंतु नाही, एवं वीडियो जदि पसंद होइथिले वीडियो को लाइक शेयर करबा सहित आम चैनल को सब्सक्राइब प्लीज। जय हिंद, थैंक्स फॉर वाचिंग।